2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा पानी, गंगा पार नवरंगा समेत अन्य गांवों में कटान तेज, नदी की उतरती लहरें भी बरपा रही हैं कहर, गंगा के जल स्तर में घटाव का क्रम जारी है, खतरा बिंदु से काफ़ी नीचे उतर आई नदी से तटावर्ती गांवों में निचले इलाकों में घुसा पानी पूरी तरह बाहर निकल गया है, वहीं उतरती लहरों का कटान के रूप में कहर जारी है। सबसे निकट स्थिति नदी उस पार की पंचायत नवरंगा की है, सुंदरू बसे इस पंचायत का कोई पूछनहार नहीं है। केंद्रीय जल आयोग गायघाट के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे नदी का जलस्तर 55.570 मीटर रिकॉर्ड किया गया। नदी में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे का घटाव जारी है। नदी का जलस्तर खतरा बिंदु 57.615 से 2.04 मीटर नीचे आ गया है। कंट्रोल रूम की सूचना के अनुसार नदी पर बढ़ाव का ऊपरी दबाव नहीं होने के कारण बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। हालांकि उतरती लहरों से कटान तेज हो चुकी है। सोनार टोला रामगढ़ के पास पूर्व में किया गया बचाव कार्य 4 फीट नीचे धस गया है। गंगा की ऊपरी हिस्से की जमीन बोल्डरों के बीच दरारें पड़ने लगी हैं, जिसे विभागीय अधिकारी लॉन्चिंग होना बता रहे हैं। विभाग का यह दावा कितना सच्चा है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। नदी से गंगा पार नवरंगा में कटान की रफ्तार बढ़ गई है। लहरें बस्ती से सटे PMJSY योजना से बनी सड़क को क्षतिग्रस्त कर रही है। फाटक खुलने के बाद राहत नहीं। सड़क से उत्तर हुए जल जमाव के प्रकोप को कम करने के लिए बैरिया तहसील प्रशासन बाड़खंड के अधिकारियों की मदद से घाघरा के देवपुर के 4 फाटक को खोल दिया गया है। इसमें अचलगढ़, छेड़ी, नौका गांव आदि मौजों में हुआ जल जमाव को कुछ कम हुआ है, किंतु इसके दक्षिण दिशा के जल जमाव में कोई कमी होती नहीं दिख रही है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने प्रशासन के पंप के द्वारा पानी निकासी की गुहार लगाई है। जल जमाव से खराब हो रहा हालत रामगढ़। बारिश व तरसीद के पानी से NH-31 के उत्तर दिशा में बसे गांव के लोग परेशान हैं। 2 माह से अधिक समय गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उनके घरों की हालत वैसी ही है। बहुत ही दुर्दशा से लोग गुजर रहे हैं। इससे गंगापुर, तिवारी टोला रामगढ़, नारायणपुर, बिलहरी आदि बस्तियों के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। गंदे पानी एवं कीचड़ में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों को अन्य बीमारियां, खुजली समेत अन्य संक्रमण बीमारियां उनके गांव में लगातार फैल रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से न तो कोई कैंप लगाया गया है और न ही किसी कीटनाशक का छिड़काव वहाँ हो रहा है।